नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले इमरान खान की तकरीर सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं इमरान खान अपने आवाम को किस कंपनी की घुट्टी पिला रहे हैं। आज जो हमारे कोरोना टाइगर्स, मैं आज पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उसके बाद मैं क्या आपसे मैं तवक्को रखता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, और दूसरी चीज़ कि मुल्क की सूरत हाल क्या है जिसके अंदर मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, तो वो सूरत हाल क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि हम वो मुल्क थे जिसने, सिर्फ एक और मुल्क था जिसने फैसला किया कि रजाकार की जरूरत थी कि कोरोना के जो हालात निकले, खास तौर पे लॉकडाउन की वजह से, हम वो मुल्क थे जिसने सबसे, एक और मुल्क था बरतानिया और पाकिस्तान, दो मुल्क थे जिन्होंने फैसला किया कि जिस तरह ये कोरोना की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से एक मुल्क में एक कैफियत पैदा हो रही है, माहौल पैदा हो रहा है और जो चैलेंजेस आ रहे हैं, दो मुल्क थे जिन्होंने फैसला किया कि इसका मुकाबला। देखिए, इमरान का यह भाषण किसी के पल्ले नहीं पड़ा होगा, परंतु जिन भैंसो मुर्गी से वे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के ख्वाब देख रहे थे, उन मुर्गियों के पीछे अब जनरल बाजवा दौड़ लगा रहे हैं, जबकि इमरान खान टिड्डू को पकड़ने के लिए निकल गए हैं। यानी चप्पल घिसाए रोडों पे, किससे सुनाए घोड़ों के। पर इस दौड़ में आज वे टोपीबाज भी शामिल हो चुके हैं जिन्होंने खेत में तैमल लहराकर आमीन कहा था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमितों की तादाद 1 लाख होने के करीब पहुंच चुकी है, जबकि हुरों की तलाश में गए टोपीबाजों की संख्या 1931 हो रही है। मगर बावजूद कोरोना पर मंथन करने के, इमरान ने अपनी पूरी ताकत टिड्डी पकड़ने पर लगा दी है। इस मीडिया ब्रीफिंग में इमरान ने साफ कह दिया है कि देश लॉकडाउन पर वापस जाने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इसी महीने पाकिस्तान का बजट आने वाला है और सरकार के कर संग्रह में 800 बिलियन रुपए की कमी आ चुकी है। यानी तब्दीली तबेले के खूंटे से बंदी करा रही है। यह खूंटा किसी और ने नहीं, इसी इमरान लोंडे का गाड़ा हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों की दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में यहां 97 टोपीबाज हुर मिलन अभियान का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा संक्रमितों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हो रही है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि पाकिस्तान जो हालात दिखा रहा था, अब खुद ही उनका पर्दाफाश हो गया है। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो पूरे देश में संक्रमितों की संख्या 6 लाख से ऊपर हो सकती है। अगर सरकार इसी तरह लापरवाह बनी रही तो यह स्थिति विस्फोटक होने में देर नहीं लगेगी। कोरोना वायरस के मामले में पाकिस्तान चीन से आगे निकल गया है। उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत मृत्यु दर में बढ़ोतरी है। पाकिस्तान में संक्रमण से मरने वाले टोपीबाज 4% से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले टोपीबाज मात्र 24% हैं। इस वक्त पाकिस्तान में लगभग 8 स्थानों पर इमरान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और भुखमरी गुस्से के रूप में सड़कों पर उतरने लगी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार और फौज के बीच बातचीत तक बंद है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि सेना प्रमुख खुद ही पाकिस्तान की गद्दी संभालने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच लोगों का गुस्सा तब और ज्यादा बढ़ गया जब अनाज चीनी घोटाले के मुख्य आरोपी जहांगीर तरीन कल लंदन भाग गए। वे रूस से वाया पाकिस्तान होकर जाने वाली फ्लाइट से चुपके से निकल लिए। उन्हें देश से गुपचुप निकालने पर इमरान खान पर सवाल उठने लगे हैं। यानी जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर इमरान लोंडा केजरीवाल बना था, अब उसकी देखभाल वे खुद कर रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।